नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे मुहावरे। हिंदी भाषा में मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। मुहावरों के प्रयोग से हिंदी भाषा उत्कृष्ट बन जाती है। मुहावरे का क्या अर्थ होता है, मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे दरअसल शब्दों का वो समूह होता है जिसका अर्थ सामान्य अर्थ से भिन्न होता है, उसे हम मुहावरा कहते हैं। एक उदाहरण देती हूँ। मेरे बेटे का एक दोस्त आया और वो कहने लगा कि आंटी, मुझे तबला बजाना बहुत अच्छा आता है, मैं बहुत अच्छा तबला बजाता हूँ और उसके साथ में गाना भी गाता हूँ। तो उसने सोचा हमारे घर में तबले नहीं होंगे, मैंने तबले लाकर उसके आगे रख दिए और कहा, बेटा गाना सुनाओ, हम तो तुम्हारा गाना सुनना चाहते हैं। तो थोड़ी देर तक तबलों को इधर उधर घुमाता रहा, ठक ठक करता रहा, फिर कहने लगा, आंटी ये तबले आपने लगता है बहुत दिन से यूज नहीं किए, ये खराब हो गए हैं, इसलिए मैं गा नहीं सकता, ना मैं ये तबला बजा सकता हूँ। तो इसे क्या कहते हैं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। मतलब आपको कोई काम करना नहीं आता तो आप दूसरे बहाने से उसको मना कर देते हो। तो आइए जानते हो मुहावरे, उनके अर्थ और उनके वाक्य। चलिए शुरू करते हैं। आइए हम मुहावरे सीखते हैं। पहला मुहावरा है अक्ल चरने जाना। इसका अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। अब इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। अपना भेद दूसरे को बता दिया, क्या तुम्हारी अक्ल चरने चली गई है? मुहावरा देखते हैं, अक्ल का दुश्मन। इसका अर्थ होता है मूर्ख या नासमझ। कमल तो अक्ल का दुश्मन है, कई हलवाई भी किताब कॉपियां बेचते हैं। अंगूठा दिखाना, इसका मतलब होता है साफ इनकार करना। आज मैंने पवन से सहायता मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। अंग अंग ढीला होना, थक जाना। इसका वाक्य प्रयोग देखिए, आज मैंने काफी काम किया, अब तो मेरा अंग अंग ढीला हो गया है। अगर मगर करना, इसका मतलब होता है टाल मटोल करना। अगर मगर क्यों करते हो, काम नहीं करना है तो मना कर दो। अगला मुहावरा देखते हैं, आटे दाल का भाव मालूम होना। इसका अर्थ होता है कठिनाई होना। नौकरी करो तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाए। एक मुहावरा और देखते हैं, आंखों से गिरना। इसका मतलब होता है आदर घट जाना, घटना, आदर घटना। अब तुम अपनी करतूतों के कारण मेरी आंखों से गिर गए हो। अगला मुहावरा, आपे से बाहर होना। इसका मतलब है बहुत अधिक क्रोध करना। इसका वाक्य, ओछा व्यक्ति जरा सी बात पर आपे से बाहर हो जाता है। मुहावरा, आंखों में धूल झोंकना, मतलब धोखा देना। सिपाहियों को देखते ही डाकू सबकी आंखों में धूल झोंक कर भाग गए। अगला मुहावरा देखते हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाना, मतलब बहुत परिश्रम करना। वाक्य देखिए, एड़ी चोटी का जोर लगा लो पर यह काम नहीं हो पाएगा। अगला मुहावरा, कान भरना, मतलब कि चुगली करना। वाक्य देखिए, न जाने किसने उनके कान भर दिए कि वो मुझसे बोलते ही नहीं। मुहावरा, खून का प्यासा होना, मारने की इच्छा करने वाला। वाक्य देखिए, जयचंद पृथ्वीराज के खून का प्यासा था। गिरगिट की तरह रंग बदलना, मतलब एक बात पर न रहना। तुम पर भरोसा, तुम तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। घड़ों पानी पड़ना, मतलब लज्जित होना। चोरी का पर्दाफाश होते ही महेश पर घड़ों पानी पड़ गया। अगला मुहावरा देखते हैं, जले पर नमक छिड़कना, मतलब दुखी को और दुखी करना। अनेक महिलाएं ताने मारकर जले पर नमक छिड़कती हैं। आशा है आपको
ये मुहावरे समझ में आ गए होंगे और उनके अर्थ और प्रयोग भी समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, मेरे चैनल लॉजिक टच को देखते रहिए और अपनी हिंदी को बेहतर बनाते रहिए। देखिए आपकी हिंदी में कितना सुधार आ जाता है, आप सही हिंदी लिख पाते हैं और सही हिंदी बोल पाते हैं। मेरे चैनल लॉजिक टच को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक एंड सब्सक्राइब लॉजिक टच।